सपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने मासिक बैठक में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष व 2022 चुनाव में जुट जाने को लेकर आह्वान किया। मासिक बैठक में जिला अध्यक्ष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी तरह से प्रदेश में जंगल राज कायम है, लूट, हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने अपने बूथ को मजबूत बनाएं व 2022 में फिर से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। बैठक में पूर्व मंत्री कमलेश यादव, पूर्व विधायक निर्मल वर्मा, सलीम शेखर यादव, प्रवीण सैनी, मनोज जयसिंह यादव, धर्मेंद्र राजवंशी, समीम बानो, विद्यासागर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के बाद कोरोना काल में हुई कार्यकर्ताओं की मौत को लेकर 2 मिनट का मौन रखकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। जो बैठक चल रही है, क्या इसका उद्देश्य है? आज हमारी ये समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक है और इसमें हम लोग जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जिला प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी की। हम लोगों ने कार्यकर्ताओं से कहा है, पदाधिकारियों से कहा है कि जिला पंचायत में अध्यक्ष पद हो अनीता राजवंशी जी, हमारी समाजवादी पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है। आप लोग लग के जो जिसके संपर्क में सदस्य हो उससे बात करके और उनके पक्ष में मतदान कराने की कृपा करें। और तो उसके साथ साथ में ब्लॉक प्रमुख, जो हमारे ब्लॉक प्रमुख भी लड़ना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी से, ब्लॉक प्रमुख भी समाजवादी पार्टी हर ब्लॉक में प्रत्याशी लड़ाने का काम करेगी, उसके लिए प्रत्याशी चयन का काम चल रहा है। 2022 की तैयारी, ये पंचायत चुनाव के बाद में 2022 विधानसभा का चुनाव जस्ट होना है, उसके लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। हम लोगों ने विधानसभा स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए हैं, विधानसभा अध्यक्षों को, वो संगठन की बैठक बुलाकर हर बूथ स्तर पर तैयारी कर लें, मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर लें, जो लोगों के नाम न है उसे बढ़ाने के लिए भी कार्रवाई सुनिश्चित कर लें। और ब्लॉक स्तर पर भी हम लोगों ने कार्यकर्ताओं और सेक्टर प्रभारियों से भी कहा कि अपने सेक्टर की बैठक बुलाकर बूथ कमेटी के सदस्यों अध्यक्षों को निर्देश दे दें कि हर बूथ पर बैठकें शुरू कर दें। और जो हमारे इस समय उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कहर चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब है, दिन दहाड़े लूट, हत्या, बलात्कार के हैं, कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, सरकार 2 साल हो गए हैं कोरोना संक्रमण काल में, सरकार की कोई तैयारी नहीं है, वैक्सीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही, तमाम ऑक्सीजन के अभाव में तमाम लोग मर गए, उसमें से हमारे पार्टी के भी तमाम पदाधिकारी भी चले गए और भी तमाम लोग, जनता चल रही, आज भी कोई तैयारी नहीं है, तीसरा कहर आने वाला है। इसलिए समाजवादी पार्टी इन दिनों में भी कार्यकर्ता हमारे जो है राहत का काम कर रहे हैं, जो कोई भी भूखा न मरने पाए, हम भूखा न सोने पाए, इसके तहत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को राहत का काम देने का काम कर रहे हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, उसके लिए कार्यकर्ता हमारे लग गए हैं, हम लोग पूरी तैयारी में हैं कि पंचायत चुनाव के बाद पार्टी 22 की तैयारी में लगी है। जी, जो हमारे साथी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी थे, सक्रिय लोग थे, कई लोगों की जान इस कोरोना काल में चली गई है, उसके लिए हम लोग मिनट मौन कर रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और उनको परिजनों से निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनके परिजनों को इतनी शक्ति दें कि दुख सहन करने की सह सकें। खबर आपकी, नज़र हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।